আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, और अब हम दोबारा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करें। दोबारा स्टार्ट करने की जो बुनियादी वजह है वो है कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे अभी इजिप्ट में खेल के आए हैं और नेक्स्ट मंथ अबू जैबी में वो एशियन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगे, तो उनकी रहनुमाई के लिए और बाकी दूसरे चेस प्लेयरों की रहनुमाई और हेल्प के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो बलूचिस्तान चेस एसोसिएशन की तरफ से है, इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि जो एंड गेम है इस पर हम जितना ज़्यादा काम कर सकें, क्योंकि चेस की जो एसेंस है या जो क्रैक्स है वो उसकी एंड गेम में है। जो प्लेयर अच्छा एंड गेम खेल लेते हैं या जिनको एंड गेम की अच्छी समझ होती है, वो ऑटोमेटिकली उनकी मिडल गेम और ओपनिंग भी इम्प्रूव होती है, और ख़ास तौर पर उनकी कैलकुलेशन बहुत बेहतर होती है एंड गेम स्टडीज से। तो हम आगाज़ करेंगे पान एंड गेम से। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक पान एंड गेम है, सिंगल पान या वन वन पान के साथ जब दोनों साइडों के पास एक एक पान हो, तो उसके बेसिक कुछ बड़े ही ट्रिकी पोजीशंस होते हैं, तो उन ट्रिकी पोजीशंस के साथ, बेसिक कंसेप्ट के साथ उन ट्रिकी पोजीशन को भी अंडरस्टैंड कर ले, ताकि हम अपनी जीती हुई बाजी ड्रा या लॉस ना कर जाए। जिस तरह इस एंड गेम में आप देख रहे हैं हमारे पास बी पॉन है, ये जी पॉन भी हो सकता है। तो इन दो पानों को मैंने नोट किया है कि कुछ प्लेयरों को इनको प्रमोट करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ जो हमारी समझने की है कि ये पान इस टाइम इनिशियल पोजीशन में है, अगर हमारा किंग इस पान के आगे हो वन स्क्वायर और ब्लैक का किंग बी फाइव पर हो, तो अगर ब्लैक की मूव होगी तो वाइट विनिंग है, लेकिन अगर वाइट की मूव होगी तो ये गेम ड्रा है। जब आप अपने पान से एक स्क्वायर आगे होते हैं और आपका अपोनेंट अपोजिशन में हो किंग, तो जिस अगर आपकी मूव है तो गेम ड्रा है। लेकिन अगर आपका किंग दो स्क्वायर आगे है अपने पान से और अपोनेंट का किंग अपोजिशन में है, तो इस टाइम टेम्पो मैटर नहीं करता, तो दिस इज़ अ विनिंग एंड गेम, चाहे ब्लैक की मूव हो चाहे वाइट की मूव हो। लेकिन अगर हम एक स्क्वायर नीचे आते हैं इस पोजीशन में, अगर वाइट की मूव होगी तो वो उसको अपोजिशन छोड़नी पड़ेगी और ये गेम ड्रा है, और अगर ब्लैक की मूव होगी तो उसको अपोजिशन छोड़नी पड़ेगी और वाइट विन करेगा। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमने समझना है। अच्छा, इसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन में हमारा किंग ए वन पर है और पान बी टू पर है, जबकि ब्लैक किंग जो है वो ई सिक्स पर है। अगर ये अब अगर हम पान मूव करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने पान से दो स्क्वायर आगे नहीं जा पाएंगे, तो ये गेम ड्रा हो जाएगी। ठीक है, पान हम मूव नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपने देखनी है कि अगर मैं किंग लाता हूँ ए टू पे, उसका किंग आता है डी फाइव पे, और मैं किंग लाता हूँ बी थ्री पे या ए थ्री पे, और उसका किंग आता है सी फाइव पे फॉर एग्जांपल, तो मैं सिंपली मूव कर सकता हूँ ए फोर पे।
अगर किंग आएगा यहाँ पे B6 पे, तो मैं अपोजिशन ले लूंगा और मैं अपने पॉन से 2 स्क्वायर आगे हूँ, ठीक है। तो ये विनिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं ये मूव, किंग ए टू, किंग डी फाइव। अब ये भी विनिंग है क्योंकि ब्लैक यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ सकता, वो यहाँ आएगा तो हम 2 स्क्वायर आगे चले जाएंगे अपने पॉन से। लेकिन सिंपल खेलते हैं। अब ब्लैक यहाँ पे आता है तो हम पॉन पुश कर सकते हैं और अगर उसके ये स्क्वायर भी चला जाएगा, फिर उसे D5 पे वापस जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी अगर ब्लैक चलता है C6 तो हम सिंपली अपना किंग बढ़ा देंगे। अब अगर वो चलता है C7 तो हम किंग भी बढ़ा सकते हैं, पान भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब अगर वो यहाँ आता है तो हम पान डबल चल के उसको वापस मजबूर करेंगे कि वो मूव करे। तो यहाँ से जब हम A2 पे चले, किंग D5, किंग A3, किंग C5, किंग A4, किंग B6, किंग B4, अब हम अपोजिशन में आ गए और ब्लैक की मूव है। लेकिन हमें ये पता है कि हम अगर हमारी भी मूव होती तो हम यहाँ से एक टेम्पो लॉस कर लेते और ब्लैक की मूव हो जाती, तब भी हम विन कर रहे हैं। तो सपोज किंग A6, किंग C5, किंग B7, किंग B5, किंग A7, किंग C6। अब अगर वो आगे आता है तो हम पान पुश कर लेंगे, पीछे चलता है तो हम पान भी पुश कर सकते हैं। अब अगर वो मूव करता है हम पान पुश करेंगे और ये पोजीशन आ गई। इस पोजीशन में ब्लैक की मूव है और ब्लैक चाहे इस साइड पे आए, A8 पे या C8 पे, दोनों पोजीशन में वो लूज करेगा। यहाँ पे आता है तो हम किंग ले आएंगे, यहाँ पे यहाँ आता है तो हम पान पुश करेंगे। अब अगर यहाँ आएगा तो पान पुश होगा, वापस इधर आएगा तो ये ड्रॉ हो जाएगी, तो हम पॉन पुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पोजीशन में वो किंग B8 चलता है तो हम किंग B6 चलेंगे। अब अगर वो वापस इधर आएगा तो हम किंग C7, अब वो आता है तो हम टेम्पो पे चेक दे देंगे और यहाँ जाता है तो भी चेक है, वापस आएगा तो हम क्वीन बना लेंगे और यहाँ आता है तो हम सिंपली क्वीन बना सकते हैं। जो इसमें सीखने की बात है, इस पोजीशन से हम दोबारा देखते हैं। हम यहाँ आए, वो यहाँ आया, ये मूव आपने करनी है। और अगर वो इस साइड पे आता है तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे और चूंकि ये की स्क्वेयर्स है, अगर हमारा किंग इन 2 स्क्वेयरों में कहीं पे भी लैंड करे तो हम अपने पान को मजे से प्रमोट कर सकते हैं। और अगर वो इस साइड पे आता है तो अब उसे चेक टेम्पो पे आ रहा है तो स्टेलमेट का कोई चांस नहीं है क्योंकि अगला भी चेक टेम्पो पे आएगा, ठीक है। तो दूसरा ये है कि इस पोजीशन में अगर वो A7 पे आता है किंग, तो फिर सिंपली B5 और किंग B8, उसके बाद हम अपोजिशन ले लेंगे और वो जिस साइड पे भी जाएगा गेम लूज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पोजीशन में जब हम यहाँ आए, सपोज ब्लैक की मूव नहीं है, वाइट की मूव है, ठीक है। तो फर्ज करो मैं इसको वाइट की मूव करता हूँ, किंग को ट्रायंगुलेट करके। अब ये वाइट की मूव है इसी पोजीशन में, ठीक है, अभी भी वाइट विनिंग है।
लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इस स्क्वायर पे आना है, ठीक है। ऑल्दो ये भी लूज नहीं है, लेकिन ये आपको वापस इसी पोजीशन में गेम को दोबारा लाना होगा ट्रायंगुलेट करके, तो आप जीत सकते हैं। लेकिन सिंपल ये है कि आप किंग A6 चलें। अब अगर वो यहाँ पे आता है, सपोज किंग A8 पे, तो हम B5 मूव, B6 पे जाएंगे और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर जो A8 वाला है, ये हम किंग से ले लेंगे। अब किंग को यहाँ से निकलना पड़ेगा और हम सिंपली किंग को पुश करके पान, पुश करके पान प्रमोट कर लेंगे। और अगर वो यहाँ पे आता है तो आपने एक मूव, B6 भी मूव विन है, लेकिन गेम को सिंपल रख के सिंपली किंग को मूव करें और इस पान को पुश करें और गेम जीत जाए। तो सीखने की बात यह है कि इस पोजीशन में चाहे व्हाइट की मूव हो चाहे ब्लैक की मूव हो, व्हाइट विन है। लेकिन अगर पान यहाँ पर हो और किंग पान से एक स्क्वायर आगे हो, तो अगर व्हाइट की मूव होगी तो गेम ड्रा है, ब्लैक की मूव होगी तो गेम व्हाइट की विन है। अगर आप दो स्क्वायर अपने पान से आगे होते हैं तो चाहे जिसकी भी मूव हो व्हाइट विन है। लेकिन इस पोजीशन में जब आपका पान फिफ्थ रैंक पर हो और किंग सिक्स्थ रैंक पर हो, अब अगर व्हाइट की मूव हो तब भी व्हाइट विन है और ब्लैक की मूव हो तब भी व्हाइट विन है। ये मैं बात कर रहा हूँ बी पान, सी पान, डी पान, ई पान, एफ पान और जी पान का। एच पान तो अगर किंग आपसे आगे है तो ये तो लामहाला ड्रॉ है, क्योंकि ये स्क्वायर आप किसी तरह उसे छुड़ा नहीं सकते। तो इन 6 रैंक फाइल्स में जहां पर भी हो, अगर आपका किंग अपने पान से आगे है, चाहे जिसकी भी मूव हो, आपके विन है। लेकिन विन तब है जब आप इसको एक्यूरेट खेले। तो यहाँ पे बेस्ट मूव ये है। अगर हम ये भी लूज नहीं है, अगर आप गलती से चलते हैं, अब ब्लैक की मूव है, हम इसको व्हाइट की मूव बनाते हैं, फिर से वही ट्रायंगुलेट करके, तो व्हाइट की मूव है, हालांकि आप पोजीशन ब्लैक के पास है, तो A6 इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप C6 भी चलते हैं तो ये भी लूजिंग नहीं है। अगर वो यहाँ आएगा तो हम पान पुश करेंगे, वापस आएगा तो पान पुश, और उसको ये स्क्वायर छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो A7 पे आता है तो हम सिंपली ये स्क्वायर पकड़ लेंगे। अब वो यहाँ आएगा तो हमने पान पुश नहीं करना, ये ड्रॉ है। अब हम यहाँ आएंगे और ये पोजीशन अब वापस वही वाली, तो ये लूज नहीं है। लेकिन इसमें आप ये जो ट्रायंगुलेट करके इधर आ रहे हो, तो इसमें रिस्क यही है कि अगर इस पोजीशन में आपने पान पुश किया तो गेम स्टेलमेट हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि बी और जी पॉन्स में जब भी मूव जिसकी भी हो, आपकी गेम विनिंग है। अगर आपकी मूव है तो सिंपल A6 पे जाएं। अगर वो पोजीशन लेने की कोशिश करता है तो सिंपल पान पुश करेंगे और हम प्रमोट करेंगे। और अगर वो साइड से वो रोक नहीं सकता, B6 भी विन है। और ज्यादा सिंपल ये है कि आप पहले किंग को आगे ले जाएं और सिंपली ये पोजीशन विन कर जाएं, ठीक है। तो इस पोजीशन में पान पुश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारा किंग हमारे पान से आगे हो, ताकि हमें पता है कि अगर हमारा किंग अपने पान से एक या दो स्क्वायर आगे हो, तो ये पोजीशन विनिंग है। और अगर आप गलती से यहाँ आ गए, देन इट इज अ सिंपल ड्रॉ, या आपने अपनी गेम जाया कर दी, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। स्पेशल टेक्निक विद बी एंड जी पॉन। अब इस पोजीशन में क्या है कि हमारे पास बी पॉन है जो अपने इनिशियल स्क्वायर पे है, और अपोनेंट के पास A5 पे पॉन है।
अब प्रॉब्लम क्या है, उसका किंग हालांकि बहुत दूर है, लेकिन 1, 2, 3 या 4 चार स्क्वेयर्स के फासले पर है, ठीक है। जबकि हमारे किंग को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3, 4 स्क्वेयर, हमें भी तो 4 स्क्वेयर ही चाहिए। तो अगर हम इस तरह चलेंगे कि हम एक तो सॉरी एक मिनट, अच्छा अगर मैं सिंपली पुश करूंगा वो यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ आऊंगा तो वो यहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ आता हूँ तो वो यहाँ आ जाए। अब मैं इस पान के पास नहीं जा सकता, और अगर मैं पान के मूव करूंगा वो सिंपली यहाँ पहुंच के गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब मैं यहाँ C2 पे आता हूँ वो E7 पे आता है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। आगे बढ़ूंगा तो C3 पे और वो D6 पे, और जब मैं C4 पे पहुंचूंगा वो C6 पे अपोजिशन ले लेगा। और अब चूंकि ये स्क्वायर लॉक है और ये स्क्वायर भी लॉक है तो मैं पान के करीब नहीं जा सकता। अगर मैं इस तरह आने की कोशिश करूंगा तो वो अपने पान के पास बैठ के आराम से प्रोटेक्ट करता रहेगा, और जब मैं पान पुश करूंगा पान एक्सचेंज कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से नहीं जा सकता तो क्या मैं यहां से आ सकता हूं? अगर मैं B1 चलता हूं, सपोज किंग E7 पे आया, मैं B2 पे चला, किंग D6 पे आया, मैं A3 पे गया, किंग C5 पे, और जब मैं A4 पे गया तो किंग यहाँ पे मज़े से बैठ गया, पान को प्रोटेक्ट किया और इधर ही मूव करता रहेगा जब तक पान एक्सचेंज नहीं होता। तो यहाँ से मूव करना भी ड्रा है और यहाँ से मूव करते हुए भी गेम ड्रा हो रही है, ठीक है। पान पुश करने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि मैं पान एक्सचेंज नहीं करना चाहता। पान पुश करूँगा तो हम अपने किंग का एक और स्क्वेयर इस पान के पास करीब जाने का वो भी रोक लेंगे, तो उसमें भी उसका किंग फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर हम ये पोजीशन कैसे जीत सकते हैं? अब इस गेम की टेक्निक असल में मुझे नाम याद नहीं है, शायद कैपाब्लांका या लास्कर का कोई गेम था या किसी ग्रैंड मास्टर का था पुराने, उसके गेम में ये टेक्निक आई थी जो मैंने देखी है। तो आप मूव करते हैं फॉरवर्ड, किंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मजीद फॉरवर्ड मूव करने के बजाय हम वापस बैकवर्ड मूव करते हैं, ठीक। अब अगर उसका किंग करीब आएगा, हम यहाँ आएंगे, करीब आएगा यहाँ आएंगे, तो ट्राई करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अब अगर उसका किंग यहाँ आता है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है, उसके किंग के पहुंचने से पहले। तो दूसरी चीज जो हमें यहीं से सोचनी है कि हम इस तरह जाने की बजाय अगर इस तरह चले तो 2-3 मूव पे हम पान के पास पहुंच रहे हैं, जबकि उसको 1-2-3 चौथे मूव पे वो पान के पास पहुंच रहा है, और पहली मूव हमारी है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, किंग यहाँ आता है और हम किंग B3 चलते हैं, किंग यहाँ पे आता है D6 पे, और हम किंग A4 चल के वो किंग जहाँ पे भी हम पान कैप्चर कर लेंगे और अगले मूव पे पान पुश कर लेंगे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जब हम किंग C2 चलेंगे वो किंग को मूव नहीं करेगा, वो हमारा ये B3 वाला स्क्वायर लॉक कर देगा। अब अगर मैं यहां से आता हूं तो, जो कि गलत है, मैं इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मैं किंग यहां मूव करता हूं तो ये मूव और गेम ड्रॉ। अब अगर मैं पान कैप्चर कर लूं तो उसका किंग पहले कोने में पहुंच जाएगा, और हमें पता है
अगर किंग कोने में पहुंच गया तो अब आप इसको किसी तरह नहीं निकाल सकते, ये एच पॉन है, ठीक है, तो पान कैप्चर में नहीं कर सकता। और अगर मैं पान बढ़ाता हूं तो वो सिंपल A2 चलेगा। अब हमें पान के पास जाना पड़ेगा, जब तक हम उसका पान मारेंगे उसका किंग हमारे पान के आगे आके बैठ जाएगा, और हमें पता है कि ये पोजीशन ड्रॉ है क्योंकि हम पान के से एक स्क्वायर भी आगे नहीं है, दो स्क्वायर तो बहुत दूर की बात है, तो ये पोजीशन भी ड्रॉ है। तो यहाँ पे ये मूव जो है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही हम किंग आगे बढ़ाएंगे इस मूव के बाद अगर हम एक स्क्वायर भी चलते हैं तो यहाँ से किंग आएगा E7 पे और हमें फिर पान के, हम यहाँ रहा ये स्क्वायर लॉक है, हमें फिर पान पुश करना पड़ेगा और किंग आएगा यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ आते हैं तो पान आगे जाएगा और किंग आके पान के सामने बैठ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सीधा नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो लास्कर ने इंट्रोड्यूस करवाया था या जीएम की जिस गेम की मैं बात कर रहा था, द बेस्ट मूव इज किंग B1, आपने उसको ये मूव अलाउ नहीं करनी। अब अगर वो ये मूव कर भी ले तो हम सिंपली एक स्क्वायर चलेंगे, हमने बहुत ज्यादा नहीं चलना क्योंकि उसका किंग उस पॉन के सामने पहुंचना चाहता है। तो मैं अगर दो स्क्वायर चलूंगा फिर मेरा किंग पॉन से आगे नहीं आ पाएगा, तो एक स्क्वायर चलेंगे, कैप्चर तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उसका किंग फ्रंट पे। तो किंग यहाँ आया, हम यहाँ आए, किंग यहाँ आया, हमने पॉन कैप्चर किया, किंग यहाँ आया, अब ये स्क्वायर पे किंग नहीं पहुंचा तो गेम ड्रॉ नहीं है, अब हमने ये स्क्वायर खुद कब्जा कर लिया है। तो अब किंग जब सामने आएगा तो हम अपोजिशन ले लेंगे। अब किंग जहां पे भी जाता है, हमने जो पिछले पजल में टेक्निक सीखी थी उसके मुताबिक हम सिंपली पान पुश करेंगे और जब वो सामने से हट जाएगा तो हम सिंपली क्वीन कर लेंगे। तो सीखने की टेक्निक ये है कि पहले आपने सीधा चलना है, पहले आपने बी पे नहीं आना, क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है जो आपने कैलकुलेट करना है कि व्हाई नॉट, अगर हमने ऐसा जाकर बी वन पे आना है तो क्यों ना मैं डायरेक्ट चलूं। लेकिन डायरेक्ट चलने का नुकसान ये है कि उसने अभी पान आगे चला नहीं है, तो उसका पान आपसे वन स्टेप के फासले पे, एक टेम्पो के फासले पे हो गया। अब वो पान चलने के बजाय किंग वाला रास्ता अपनाएगा और ये गेम ड्रा है क्योंकि उसका किंग अपने पान के पास पहुंच जाएगा। तो अगर पान यहाँ पे होता इस पोजीशन में, जब वो ये पान चलता तो पान यहाँ पे होता तो मैं पान कैप्चर कर लेता, लेकिन अब मैं पान कैप्चर नहीं कर पाया तो गेम ड्रा है। तो आप डायरेक्ट नहीं चलेंगे क्योंकि डायरेक्ट चले तो किंग की रेस लगाएगा, आप पहले उसको पान चलने पे मजबूर करें क्योंकि इस टाइम वो किंग की रेस नहीं कर सकता, हमारा किंग पहुंच रहा है पहले, तो पहले वो मजबूर है किंग चलने की बजाय पान चले, फिर आप पीछे से वापस आए क्योंकि अब हम सिर्फ दो स्क्वायर के फासले पर है जबकि उसको चार स्क्वायर का फासला है, चार टेम्पोस का फासला है अपने पान तक पहुंचने के लिए। सो, ये टेक्निक आप हमेशा याद रखें कि इस किस्म की पोजीशन में थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती है। सपोज हम इसको इस तरह लेते हैं कि एक सेकेंड, नहीं एक मिनट, अच्छा ये पोजीशन है तो ये ड्रा है क्योंकि अब उसके किंग की वो अपने पान के बहुत करीब है और हमें पान के पास पहुंचने के लिए तीन स्क्वायर चाहिए जबकि उनको भी पान को प्रोटेक्ट करने के लिए तीन स्क्वायर चाहिए। तो अब मैं वो टेक्निक नहीं कर सकता क्योंकि वो सिंपली पान के पास पहुंच रहा है। लेकिन अगर उसका वो एक टेम्पो शॉर्टेज पर है जिस तरह जो हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो हम यहाँ से
पांच चलने पे मजबूर करेंगे। तो और दूसरा थ्रेट हम ये कर रहे थे कि अगर आप किंग चलेंगे तो हम पांच के पास पहुंच जाएंगे। एंड गेम में एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, एक चीज में आप जब आप एंड गेम की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चेस की एक खास टेक्निक समझ आती है जो आप मिडल गेम और ओपनिंग्स में फिर इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक ये है कि अच्छी मूव जो होती है, बेस्ट मूव जो होती है, एक्सेलेंट मूव जो होती है, वो ऐसी मूव होती है जिसमें एक मूव में दो थ्रेट हो। एक मूव में दो थ्रेट या तो चेस में ऐसी मूव जो एक मूव में दो थ्रेट पैदा करे वो हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव होती है। तो अभी आप इस मूव में देखें, इस मूव में एक मूव में दो थ्रेट है। एक थ्रेट ये है कि मैं पान के पास पहुंच रहा हूँ। दूसरा थ्रेट क्या है जो हम हिडन थ्रेट है कि अगर आपने पान के पास अगर आपने किंग चला तो मैं तो पान के पास पहुंच जाऊंगा। पहला थ्रेट तो ये है, तो आपने इसकी किंग की मूव रोक ली। दूसरा ये है कि अगर वो पान चलता है तो आपने इस मूव की वजह से आपने इसको पान चलने पे मजबूर किया। अगर आप डायरेक्ट इधर आते तो आप उसको पान चलने पे मजबूर नहीं कर पा रहे हो ना। तो आपने एक तो उसकी किंग की मूव रोकी, दूसरा उसको पान चलने पे मजबूर किया, एक वीकनेस क्रिएट किया उसके पान को, उसके किंग से और दूर कर दिया। तो एक मूव में दो फायदे मिले, तो ऐसी मूव विनिंग मूव होती है। चले नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। अब ये एक पोजीशन है जिसमें हमारे पास ई पान इनिशियल ई टू स्क्वायर पे है और अपोनेंट के पास जी पान है G7 स्क्वायर पे, और हाँ किंग उसका H8 पर है और हमारा किंग G6 पर। अब इस पोजीशन में अगर हम सिंपल कैलकुलेट करें, अगर मैं पान पुश करता हूँ उसका किंग आएगा, एक ही मूव है, पान तो ब्लॉक है उसका, किंग G8 मैं पान पुश करूंगा, किंग F8 में पान पुश करूंगा और पान के सामने बैठ जाएगा, और अगर मैं पान प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और पान पुश करेगा, मैं पान मारूंगा तो मेरा पान मार देगा, तो इसका मतलब हम पान पुश नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मैं पान पुश करता हूँ वो यहाँ आता है, तो अब अगर मैं पान पुश ना करूँ तो किंग की मूव भी मेरी चली गई, मेरा ये स्क्वायर जो है F7 का वो उसके किंग ने अलाउ नहीं कर रहा मुझे, उसका किंग हमें रोक रहा है F7 पे जाने की से, तो मुझे ला महला या तो किंग हटाना पड़ेगा, किंग हटाऊंगा तो वो खुद F7 पे आ जाएगा और फिर अपना पान पुश करके मेरा पान मार देगा। तो प्रॉब्लम है, तो हम प्रमोट कैसे करें? प्रमोट इस तरह करना है कि हमने जो ब्लॉकेज बनाई हुई है हम इस ब्लॉकेज को खुद ही खत्म कर रहे हैं। क्यों? अजीब सी बात है, वो पान डबल भी तो चल सकता है। अब इस चीज को आपने कैलकुलेट करना है। अगर मैं पान किंग लाता हूँ F7 पे और वो पान चलता है G5, मैं पान चलता हूँ E4, G4, E5, G3, E6, G2, E2, E7, G1 क्वीन, और जब हम E8 क्वीन बनाएंगे तो वो चेक पर है, तो चेक पर है तो वो किंग लाएगा H7 पे, क्वीन उसके पास भी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और गौर से देखूं, उसका किंग आएगा H7 पे, तो यहाँ से एक चेक पड़ रही है E4 से, और वो क्वीन से ब्लॉक नहीं कर सकता क्यों, क्वीन सिंपल कैप्चर कर लेंगे, और अगर वापस जाता है तो यहाँ से चेकमेट है, और आगे आगे आता है तब भी यहीं से चेकमेट है, तो ये एक स्पेशल किस्म का चेकमेट है। तो अगर मैं सिंपल पान अगर वो सिंपल पान पहले पुश करेगा तो हम भी पुश करेंगे, वो पान पुश करेगा हम पुश करेंगे, वो पुश करेगा हम, वो पुश करेगा हम, और जब वो क्वीन बनाएगा तो हमारा क्वीन चेक पे बन रहा है, और उसका किंग जब H7 पे आएगा तो हम E4 से चेक देकर, चाहे वो आगे जाए चाहे पीछे जाए, H4 से मेट है। तो चूंकि मेट है तो यहां तक तो आपने कैलकुलेट किया कि वो
पान पुश नहीं कर सकता, तो क्या किंग पुश कर आगे लाएगा? तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम हर तरह से विन कर जाएंगे। किंग अगर वो पान का तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां से वो पहले क्वीन कर रहे हैं, लेकिन हम क्वीन कर रहे हैं चेक पे, और इस चेक के बाद अगर वो यहाँ आता है तो दिस इज सिंपल चेकमेट, और अगर पीछे भी जाता है तो चेकमेट। तो इसका मतलब है वो पान रेस तो कर नहीं सकता, लाजमी बात है वो किंग चलेगा H7 पे, हम पान पुश करेंगे, वो अभी भी पान पुश नहीं कर सकता, क्योंकि पान पुश करेगा तो हमारा पान पहले, अब तो एक स्क्वायर और पीछे हो जाएगा, तब भी हम विन कर जाएंगे, और अगर यहाँ आता है तब भी हम सिंपली अब भी वो उसका पान बहुत पीछे रह गया, और हम क्वीन बनाकर, बल्कि क्वीन बनाने के बाद हम सिंपली यहाँ से चेक करके ये पानी मार लेंगे, और बाद में आसानी से गेम जीत जाएंगे। तो ये एक स्पेशल किस्म का मैट पैटर्न है कि बाज़ औकात आप रास्ता देते हैं पान को पुश करने का, लेकिन उसकी किंग की पोजीशन ऐसी है कि उसको मैट पाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, क्वीन चेक पैटर्न अगेंस्ट सी एंड एफ पॉन, वन टेम्पो मैटर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H4 पे मेरा पान है और उसका पान F7 पर है। एक सेकंड प्लीज। और हमारा किंग B7 पर है और उनका किंग H1 पर। अब यहां से आपको वैसे तो लग रहा होगा कि बड़ा आसान किस्म का पजल है, हम सिंपली पान पुश करेंगे वो डबल पुश करेगा, हम पुश करेंगे वो पुश करेगा, हम H7 पे जाएंगे वो F पे जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है कि हमने ये गेम जीतनी कैसी है। इस जीत को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके पास क्विन हो, या आप क्विन पान को प्रमोट करते हैं क्विन में, और अपोनेंट के पास H2 पर, या अगर उसके वाइट है तो H7 पे, या F2 पर, या C2 पर, या E2 पर किंग के साथ, यानी किंग उसके पास पड़ा हो, इनमें से किसी भी जगह पर पान हो, तो गेम ड्रॉ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। A2, C2, F2 और H2। अगर किंग इनके मसलन H2 पे पान है और किंग यहाँ यहाँ या यहाँ पर है, या F2 पे पान है और किंग यहाँ 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 है, या C2 पे पान है और किंग या उसके आसपास है, या H2 पे या किंग इसके आसपास है, और आपके पास पूरा क्वीन है, तो ये गेम ड्रॉ है। ठीक है, अब अगर उसके पास B वाला पॉन है, G वाला पॉन है, या E और D वाला पॉन है और किंग उसके पास है, तो ये ड्रॉ नहीं है, लूज है। आपके पास क्वीन है, आप क्वीन के साथ ये एंड गेम जीत सकते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल में जब हम पान पुश करते हैं तो उसका पान पहुंचता है F6 पे, F7 पे नहीं पहुंचता, F6 पे को है, तो एक मूव पीछे है। अगर F7 पे होता उसका पान और हम क्वीन बना लेते तो ये ड्रॉ थी। ठीक है, हमें पता है कि पान F फाइल पे, C फाइल पे, A फाइल पे, H फाइल पे, कहीं पे भी किंग के पास हो, आपके पास क्वीन भी हो, तो गेम ड्रॉ है। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन में यह है कि वो F6 पे है, तो हमने क्या सोचना है कि हम तो पहले पान पुश करेंगे, उसके पास बेस्ट मूव ये है कि वो किंग पहले से ही चेक से हटा दे, अब पान पुश करें,
आन पुश करे, हम क्विन बना लेंगे, उसने भी क्विन बना लिया। अब स्पेशल क्या है कि हमने, चूंकि ये पान F7 F2 पे नहीं है, तो ये तो हमें पता है कि हम विन कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे विन? हम इसको इस तरह विन करते हैं कि हमने इस पान को बढ़ने नहीं देना किसी भी सूरत में, क्योंकि जैसे ये पान बढ़ा गेम ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने, अब बहुत से लोग ये गलती कर लेते हैं, ये चेक दिया और गेम ड्रॉ हो गई, क्योंकि इस चेक के बाद वो यहाँ पे बैठ जाएगा और आपके पास कोई चेक नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो वो सिंपली वापस आ जाएगा, या तो आप मूव रिपीट करेंगे, या अगर आप चेक के अलावा कुछ करेंगे तो वो पान पुश कर लेगा। ठीक है, तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो हमने ये G8 वाला चेक देना है, क्यों? जैसे ही आप G8 से चेक देंगे, अब अगर वो F1 पे आता है, पान के सामने बैठना तो बेवकूफी है, वो हमें मूव दे रहा है। हम कोशिश करते हैं कि उसको पान के सामने बिठाए ताकि हम अपना किंग एक स्क्वायर करीब ला सके। तो अब हमारे पास दूसरा चेक है C4 से। अब अगर वो किंग वापस जाता है F2 पे, तो हम यहां से G4 से चेक देंगे। अब वो मजबूर है पान के सामने बैठने पे, क्यों? क्योंकि अगर वो दूर जाएगा तो हम पान कैप्चर कर लेंगे, या अगर वो E1 पे आता है तो अब हम उसको E4 से चेक देंगे, फिर उसको मजबूर कर रहे हैं कि अपने पान के सामने बैठे, और जैसे वो पान के सामने बैठेगा हम किंग को एक स्क्वायर करीब कर लेंगे। अब वो दोबारा साइकिल रिपीट करेगा तो हम फिर उसको पान के सामने बैठने पे मजबूर कर देंगे, जैसे ही वो पान के पास सामने बैठा हम एक स्क्वायर किंग और करीब ले आएंगे। अब वो दूर जाने की कोशिश करता है पान से, तो हम उसको फिर वैसे चेक भी दे सकते हैं, और यहाँ से पान को वो भी कर सकते हैं, पिन भी कर सकते हैं। चलो सिंपल देखते हैं, तो ये भी विन है। फिर आपने उसको मजबूर किया पान के सामने बैठने पे, फिर आगे आए, वो फिर पान के सामने से हटने की कोशिश करेगा, तो अब तो जब वो पान पुश करेगा सिंपल चेक दे दे और पान कैप्चर कर ले। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो सीखने वाली बात है कि आपने ये वाला चेक देना है G8 वाला, ताकि आप C4 से चेक दे सके, और अब वो जहां पे भी जाएगा हम उसको पान के सामने, हम उसको मौका नहीं दे रहे पान पुश करने का, और उसको मजबूर किया कि वो अपने पान के सामने आए, पान को ब्लॉक करे ताकि हमारा किंग करीब आ सके। ठीक है, ये पैटर्न आपने जरूर सीखना है, क्योंकि ये आपकी विनिंग गेम होती है और इसको जाया नहीं करना। और ये देखे, अगर इस पोजीशन में आपने ये चेक दिया तो गेम ड्रा हो गई। अब वो किंग F1 के बाद अगर आप ये चेक देंगे, वो वापस किंग G2 जाएगा। अब अगर आप यहाँ से चेक देंगे तो पान पुश कर लेगा, और यहाँ से चेक देंगे तो पोजीशन वापस रिपीट हो जाएगी, वो वापस F1 पे। अब अगर आप चेक के अलावा कुछ भी करते हैं इस चेक के अलावा, तो पान पुश कर लेगा और गेम ड्रा है। नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। इस पोजीशन में हमारे पास E4 पे पॉन है, उसके पास E5 पे पॉन है, उसका किंग C3 पे है और हमारा किंग G6 पे। ये एक स्पेशल पोजीशन है, ये इस कंसेप्ट को कहते हैं माइंड स्क्वायर। माइंड, जिस तरह माइंड बिछाए होते हैं ना, आर्मी वाले माइंड बिछाते हैं, तो यहाँ पे भी माइन बिछी हुई है। इस पोजीशन को आपने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि कहीं एंड गेम हम इस कंसेप्ट के ना होने की वजह से लूज कर जाते हैं। कंसेप्ट क्या है इसका, माइन स्क्वायर का? माइन स्क्वायर का कंसेप्ट ये है कि ये दो जो पान एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये दो पान, अगर
माइंड स्क्वायर, यहाँ पे बारूद बिछाई हुई है। किस किस्म की बारूद? कि मैं F5 पे आऊंगा और अब वो पान मार नहीं सकता, मेरे किंग ने प्रोटेक्ट किया और उसका पान मूव नहीं कर सकता, मेरे पान ने ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर वो यहाँ आता है और मैं F5 पे आता हूँ तो उसको ला मोहला अपने पान से दूर जाना पड़ेगा और हम पान कैप्चर करके मजे से सामने से हटके पान पुश करके क्वीन बना लेंगे। और अगर मेरी मूव हो और मैं यहाँ पे आऊं, वो यहाँ आ जाए, तो मुझे अपने पान को यहाँ से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसके पान ने कवर किया है, तो मुझे यहाँ 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 जहाँ पे भी जाऊं वो पान कैप्चर कर लेगा, सामने से हट जाएगा और मजे से क्वीन बना लेगा। तो समझने की बात यह है कि जो भी पहले इन स्क्वायर्स में आया वो गेम लूज कर जाएगा। ये माइंड एरिया है, ठीक है। तो इस पोजीशन में वाइट की मूव है, तो वाइट ने क्या किया, उसके हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम उसके पान को अटैक कर रहे हैं लेकिन स्क्वायर पे नहीं आना, यहाँ आया गेम गई, आपने ड्रॉ भी नहीं कर सकते, आप लूज कर जाएंगे। तो अब उसके पास अपने पान को बचाने का एक ही मूव है, वो ये है। अब वो जैसे ही माइंड एरिया में आया, मैं यहाँ पे बैठ गया, मुझे पता है कि ये एरिया माइंड है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे वो उसका किंग आएगा मैं F5 पे आऊंगा, अब वो अपने पान के पास से हटने पे मजबूर है, वो जहाँ पे भी जाए हम पान कैप्चर कर लेंगे और मजे से पान बढ़ाते हुए क्वीन बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपने माइंड का बड़ा ख्याल रखना है, माइंड स्क्वायर्स का, कि जब पान आमने सामने हो तो जो किंग पहले इन एरियाज में आएगा वो गेम लूज कर जाएगा। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट नहीं आना इस एरिया में, पहले उसको मजबूर करना है कि वो D4 पे आए, फिर आप F5 पे आकर मजे से गेम जीत जाएंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात एंड गेम में इस किस्म की पोजीशन होती है कि पान साइड बाय साइड G6 पे है, हालांकि उसका किंग अपने पान के करीब है, लेकिन किंग की मजबूरी देखिए कि ये स्क्वायर G7 वाला हमारे पान ने कवर किया हुआ है। और हम क्या करेंगे, अगर हम पान पुश करेंगे तो गेम ड्रा हो जाएगी, वो पान के पास जाएगा, हम जो भी करें वो हमारा पान कैप्चर कर लेगा और फिर गेम ड्रा हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं किंग F4, तो हमने ये स्क्वायर कवर कर लिया, ये स्क्वायर पान ने कवर किया है, तो किंग या तो किंग मूव करेगा H5 पे या वो पान को पुश करेगा, और हर सूरत में वो लूज कर रहा है। मसलन अगर वो G5 चेक देता है तो हम सिंपली यहाँ पे बैठ जाएंगे F5 पे और G6 G7 दोनों स्क्वायर कवर है। अब अगर वो पान पुश करेगा तो करता रहे, हम पान नहीं मारेंगे क्योंकि उसके पान को 3 स्क्वायर और चाहिए क्विनिंग उसके लिए। हम सिंपली ये याद रखें, यहाँ पे भी गलती नहीं करनी, पान पुश नहीं करना। आपका ये ख्याल होगा कि आप पान पुश करोगे, अगर वो यहाँ आएगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, नहीं, वो सामने बैठ जाएगा और आप उसको किसी भी तरह, बल्कि आप लूज कर गए गेम, आपका पान, आप उसके किंग को हटा नहीं सकते और वो मजे से अपना क्वीन बना लेगा। तो आपने पहले किंग को E6 पे लाना है, अब अगर वो पान पुश करे तो आप पान पुश करेंगे और हर तरह से आप विन कर रहे हैं। वो कुछ भी करे, यहाँ पे भी आए तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, अब वो यहाँ आता है तो आप क्वीन बना लोगे, वो पान पुश करेगा तो आप चेक देके पान मार ले और गेम विन। तो यहाँ पे ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि पहले पान पुश किया, अब क्योंकि वो पान के सामने बैठ गया, अब आप इस पान को भी नहीं पकड़ सकते, गेम भी ड्रा नहीं कर सकते, तो जो विनिंग गेम थी वो इस एक गलत मूव की वजह से लूज हो सकती है। तो आप उसके पान को मूव करने दे, वो पान कहीं नहीं जा रहा और हम
पहले क्वीन बना लेंगे और उसके बाद मजे से उसका पान कैप्चर करके बाद में मजे से गेम जीत जाएंगे। तो आपने जेंटली मूव करना है, आपने पहले किंग से ये स्क्वायर रोकना है। अब अगर वो किंग मूव करता है तो नो प्रॉब्लम, हम सिंपली अपना पान पुश करेंगे, और अगर ये मूव करता है तो आगे नहीं वैसे कहीं पे भी बैठ जाए विनिंग है, तो एवरी मूव इज विनिंग। तो वो पुश करता रहे, हम पहले क्वीन बना चुके हैं और सिंपल विन है। बास औकात अगर आप इस एंड गेम पे गौर करें तो इस एंड गेम में अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं पहले भी बताना भूल गया कि जो भी मैं नई पोजीशन लगाता हूँ पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। पहुंच गया F2 पे, और जिस तरह आपको याद होगा A2 पे, F2 पे, C2 पे, H2 पे या A2 पे, अगर इन किसी भी पोजीशन में उसका पान हो, चाहे आपके पास क्वीन भी हो, तो गेम ड्रॉ है। ठीक है, तो ये स्क्वेयर्स, तो अगर मैं पान पुश करूँगा सिंपली वो पान पुश करेगा, तो जब मैं क्वीन बना लूँगा उसका पान F2 पे होगा और गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो हमने ना सिर्फ क्वीन बनाना है बल्कि उसको किसी तरह डिले करवाना है, एक मूव एक टेम्पो, अगर मैं इसके पान को डिले करवा सकूं तो गेम विनिंग है। अब आपने ये सोचना है इन गेम में कि वैसे अगर मैं इससे सादा पान पुश करने लगूं तो गेम ड्रॉ हो। अगर मैं कोई मूव करूं उसका किंग यहाँ पे भी आ जाए तो मैं अपने पान को पुश करके उसे दूर कर सकता हूँ, तो मेरा पान पकड़ नहीं पाएगा। तो अगर मैं अपना किंग करीब लाऊं, अब अगर वो पान पुश करेगा मैं एकदम यहाँ पहुंच जाऊंगा, अब वो पान मजीद पुश नहीं कर सकता, मैं मार लूंगा। ठीक है, तो उसको मूव जाया करनी पड़ेगी। मूव जाया का मतलब क्या, उसको किंग आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे यहाँ लाए चाहे यहाँ लाए, फिर उसके बाद यहाँ लाना तो थोड़ा सा गलत है, थोड़ा नहीं बहुत गलत है, क्योंकि वो अपने पान के रास्ते में आ जाएगा, फिर उसका पान यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। एक चीज तो समझ आ गई, ठीक है, कि अगर मैं किंग D5 लाता हूँ तो वो किंग F3 तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं पान पुश करने लग जाऊंगा। अब जैसे ही मैं पान पुश करूंगा वो पान पुश करेगा, मैं करूंगा वो पान पुश करेगा, मैं उसका पान के सामने किंग है, उसको किंग हटना पड़ेगा, मैं पान पुश करूंगा वो पान लाएगा, मैं क्वीन बना लूंगा, अब उसको F2 से पहले ही मेरा क्वीन बन चुका है। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये समझ ली, तो इसका मतलब है वो जब हम D5 पे आएंगे तो वो E3 पे आएगा। उसके बाद हम पान पुश करें, वो पान पुश करें, मैं पान पुश करूं वो पान पुश करें, मैं पान पुश करूं वो पान पुश करें, मैं पान पुश करूं वो पान, F2 पे तो पहुंच गया। ठीक है, F2 से तो मैं नहीं रोक सकता क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मैं यहाँ आ सकता हूँ ना यहाँ आ सकता हूँ, मसलन पहली मूव ये फिर दूसरी मूव ये। अब मैं पान के पास अगर भागने की कोशिश करूँ, बाज औकात हम ये गलती भी करते हैं, बल्कि बाज औकात नहीं बहुत से प्लेयर ये गलती करते हैं कि यार मैं पान के पास जाऊंगा उसका पान बचाने वाला कोई नहीं है, मैं सिंपल पान मार लूंगा। लेकिन ये देखिए, अगर आप उसके पान के पास जाएंगे वो यहाँ आ जाएगा, अब आपके पान के भागने का वो नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर में आ गया। आप पान पुश करोगे वो इधर बैठ जाएगा, अपना भी बचा लेगा आपका मार देगा, आगे में से ड्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ड्रा है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने अपना कितना कीमती पान जाया नहीं करना। तो आप यहाँ आए वो यहाँ आया, आप पान मारेंगे वो यहाँ बैठ जाएगा, अब आप यहाँ आएंगे या पान पुश करेंगे दोनों कंडीशन में वो यहाँ से या यहाँ पे आपका पान मार देगा। सो हम पान के करीब मजीद नहीं जा सकते, अब हम अपना पान पुश करेंगे, वो पुश करेगा, पान पुश करेंगे, पुश पुश यहाँ पे आया। अब उसका पान जब हम क्वीन बनाते हैं F2 पे तो पहुंच गया,
लेकिन उसका किंग इन एरियाज में नहीं है, इस एरिया से ऊपर है, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट रैंक में नहीं है बल्कि थर्ड रैंक में है। तो अब हमने, ये बड़ी डेलिकेट एंड गेम है, बहुत ही मुश्किल है, इसको मुझे सॉल्व करने में कोई 10-15 मिनट लगे थे। तो यहां से हमने किस तरह, एक मूव का डिफरेंस है, एक रैंकिंग ऊपर है, उसका कैसे फायदा उठाना है। हमने मौका नहीं देना कि किंग यहाँ पे आसानी से पहुंच सके। तो पहला काम ये करेंगे कि हम यहाँ से चेक देते हैं। अब एक चेक ये है हमारे पास, 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 और एक चेक ये है हमारे पास। 5 चेक है हमारे पास, ठीक है। चेक के अलावा तो और एक मूव ये भी बनती है, अगर मैं किसी और कलर में बना सकूं। हाँ, तो जहां से हम पान को रोक रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत मूव है क्योंकि वो एकदम यहाँ पहुंच जाएगा और गेम ड्रा, क्योंकि मुझे पता है कि पान के पास किंग दोनों साइडों में या उसके आगे कहीं पे भी हो तो ये पोजीशन ड्रा होती है, ठीक है। तो यहां से भी चेक गलत है क्योंकि वो पान के सामने आ जाएगा, यहां से भी चेक गलत है क्योंकि वो पान के सामने आ जाएगा, यहां से भी चेक गलत है क्योंकि वो पान के सामने आ जाएगा, यहां से भी चेक गलत है क्योंकि वो पान के सामने आ जाएगा, यहां से चेक ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे किंग की प्रोटेक्शन ले लेगा, उस फाइल के जरिए वो हमारे किंग के सामने वो हो जाएगा। तो यहां से चेक ये है कि वो यहाँ नहीं आ सकता, और जब यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ 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 और यहाँ पे भी नहीं आ सकता ना, तो पहली चेक तो ये बनती है। अब अगर वो यहाँ जाएगा तो हम मजे से यहाँ से चेक देकर उसको आखिर मजबूर कर लेंगे कि पान के सामने आ जाए। मसलन अगर वो यहाँ आता है तो आप सिंपली यहाँ जाएंगे, अब उसे पान बचाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, अब आप किंग E4, और अगर वो क्वीन कर ले तो किंग यहाँ पे और गेम विन हो जाएगी, ठीक है। बाज़ औक़ात अगर वो विन भी कर जाए, लेकिन ये आपको खुद को अपने लिए मुश्किल बना रहे हैं, हर तरीके से लूज है उसको, उसके पास चेक कोई नहीं है और उसको मूव करना है, किंग मूव करेगा तो मेट है और क्वीन कहीं पे भी मूव कर जाए तो मेट है, और चेक यहाँ से दे नहीं सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ आना भी गलत है, और अगर वो यहाँ आता है तो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जो आपने सीखनी है और बड़ी ही मुश्किल मूव है, ठीक है। पाउज करें और सोचे कि हम इस पान को कैसे रोकें, क्योंकि अगर हम यहाँ आते हैं तो सिंपली पान के पास पहुंच गया और गेम ड्रॉ हो गई, और अगर हम यहाँ से चेक देते हैं तो भी पान के पास पहुंच गया, गेम ड्रॉ, यहाँ से चेक देते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ से चेक दिया तो ये भी जरा मैं सिंपली D2 पे जाएगा, और अब हम पान रोकने की कोशिश करेंगे तो पान के पास पहुंच गया, तो सॉरी 1 मिनट में बंद करता हूँ। तो जब वो यहाँ आएगा इस चेक के बाद, तो ये 2 स्क्वायर के चेक गलत है। दूसरा, अगर हम यहाँ से चेक दें तो भी पान के पास पहुंच जाएगा, तब भी ड्रॉ है, यहां से चेक दे तब भी पान के पास पहुंच जाएगा और गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो यहां से चेक, यहां से चेक, यहां यहां से चेक, यहां से रोकना, ये सब फजूल है, ठीक है, मतलब इससे कुछ नहीं मिल रहा। तो एक मूव बचती है, स्पेशल टेक्निक है, वो है क्वीन B2। ये क्या मूव है कि आपने एक तो पान को अटैक किया, अगर इसके बाद वो क्वीन बनाएगा तो आप यहां से चेक दोगे डायगनली
और किंग अटेगा तो हम क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। तो वो इसका मतलब है, एक तो हमने इस पॉन को प्रमोट होने से बचाया। मैंने बताया था ना, एक मूव दो फायदे। पहला फायदा, पॉन प्रमोट नहीं हो सकता क्योंकि हम पॉन चेक करके d5 से कैप्चर कर लेंगे। दूसरा फायदा, किंग को e2 पे भी नहीं जाने दे रहे। तो अब किंग क्या करेगा, जब e3 पे जाएगा, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे वैसे यहाँ पे रख लें, पान को मूव होने से रोक लिया और यहाँ से फिर नहीं जाने दे रहे करीब। अब वो यहाँ आएगा तो सिंपली सबसे आसान तरीका, पान के सामने बैठ जाए, बाकी कैलकुलेशन जाए बाद में, ठीक है। अब उसको पान छोड़ना ही पड़ेगा, तो हम पान कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जो आपने हमेशा याद रखनी है, ये वाली पोजीशन, इस किंग की ये पोजीशंस है। तो यही चेक, और इसके बाद ये मूव, पान मूव नहीं कर सकता, और किंग यहाँ आएगा तो पान को रोक लिया, किंग ये आएगा तो सामने बैठ गए। और ये दूसरा भी सीखने वाली चीज है, अगर यहाँ पे आया तो हम किंग H2, सिर्फ यही एक मूव बचती है, और अगर यहाँ पे आया तो हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आया तो हम सिंपली यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आएगा सिंपली E3, क्वीन बनाया तो यहाँ से मेट, ठीक है। और अगर यहाँ आया तो भी उसको क्वीन बनाने दे और यहाँ बैठ जाए। तो ये टेक्निक बहुत जरूरी है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। और इसके साथ ही मैं थक गया हूँ, और बाकी जो पोजीशंस है वो मैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।